हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा रैनेल का सिरप के बारे में। रैनेल का सिरप जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई गई है। हिमालय कंपनी सभी प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट बनाता है, उनमें से ही एक है रैनेल का। रैनेल का मतलब होता है जो कि किडनी की प्रॉब्लम, यूटीआई के इन्फेक्शन और पेशाब संबंधी समस्याओं को दूर करती है, उसके लिए रैनेल का सिरप इस्तेमाल किया जाता है। रेनेल का मतलब होता है जो रीनल एरिया पर काम करती है, और रीनल का मतलब होता है किडनी, यानी कि जो किडनी से संबंधित सभी प्रकार की समस्या को दूर करने में और उसे ख़त्म करने में मदद करती है, उसे बोलते हैं रीनल। इसके लिए एक सिरप बनाई गई है, रेनेल का सिरप। आज मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, किन चीज़ों से मिलकर यह बनी हुई है, इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना चाहिए, क्या सावधानियां हैं, क्या नुकसान हैं और कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको यह किस तरह से मिलेगी। वैसे तो 100 ml की पैकिंग के अंदर और 200 ml की पैकिंग के अंदर यह आती है। 100 ml का प्राइस 144 रुपये के आसपास है। अगर आप एक बेस्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन घर पर भी मंगा सकते हैं। यह OTC ब्रांड होती है। OTC ब्रांड का मतलब है जिसे आप अपनी मर्जी से स्वयं भी ले सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, हमेशा आप अपने डॉक्टर से पूछ करिए किसी प्रकार की मेडिसिन या सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको पूरी तरह से देखता है, आपकी बीमारी को पहचानता है, तब आपको दवाई देता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं रेनेल का सिरप के बारे में, जो कि मूत्र संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है यूटीआई में। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपको पेशाब से संबंधित समस्या है, अगर पेशाब की मूत्र नली में सूजन आ जाती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब से संबंधित अगर आपको और भी कोई समस्या है तो भी यह उन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है, पेशाब में जलन होती है या फिर पेशाब का बंद लग जाना होता है, इन समस्याओं को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा फायदा होता है किडनी स्टोन के अंदर। अगर आपके किडनी के अंदर कोई छोटा मोटा स्टोन है तो उसे भी यह बाहर निकाल देता है। अगर कोई बड़ा स्टोन है तो उसे तोड़ता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ। तीसरा फायदा होता है अगर आपके पेशाब के अंदर ब्लड आ जाता है, यानी कि पेशाब में कभी कभी तो जलन होती है और कभी कभी ब्लड की समस्या भी देखी जाती है, तो पेशाब में होने वाले ब्लड की समस्या को भी धीरे धीरे यह कम करता है। इसका चौथा फायदा होता है अगर आपके पेशाब करते समय पेशाब में झाग आने लगते हैं और उसमें झाग बनते हैं, तो ऐसी कंडीशन को भी दूर करने में यह मदद करता है। ज़्यादातर मेल या फीमेल को यह दिक्कत देखी जाती है जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, वो पहले तो एलोपैथी दवा लेते हैं और डॉक्टर क्या करता है, एलोपैथी दवा के साथ साथ रेनल का सिरप को भी ऐड कर देता है ताकि पेशाब में झाग आने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाए। दोस्तों, मूत्र संबंधी रोगों में 8 प्रकार की बीमारियां होती हैं, उसमें पेशाब के अंदर झाग आना एक तरह की बीमारी है, इसलिए यह आपको और भी अधिक बीमारियों को पैदा कर सकता है, इसलिए इस बीमारी को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों, मुख्य रूप से इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक हैं। मुख्य रूप से इसके अंदर गोक्षुर, सारीबा, मुस्ता, शतावरी, इलायची, तीकटु, ऐसे करके इसमें 8 से 10 इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। यह आपके pH को मेंटेन रखता है, इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी ठीक करता है, स्टेन को ठीक करने में भी मदद करता है, पथरी की समस्या को भी जल्दी से जल्दी खत्म करने में मदद करता है। अब बताता हूँ मैं आपको इसका इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो आपको इसे धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धूप में रखने से ये जल्दी ही ख़राब हो जाता है, इसलिए हमेशा इसे ठंडी वाली जगह में रखें, फ्रिज के अंदर ना रखें, रूम टेम्परेचर पर जो घर के अंदर रखते हैं वैसे ही रख सकते हैं। प्रेगनेंसी में हमेशा पूछ कर इसे इस्तेमाल करना चाहिए, आप अपने डॉक्टर से पूछ लें फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। जो लैक्टेशन वुमेन होती हैं, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के इसका इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखें। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, हमेशा हेल्थी फूड लेना चाहिए, किसी प्रकार के फास्ट फूड से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में।
वैसे तो दोस्तों इसे हर्बल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप इसे गलती से ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि पेट में दर्द होना, दिल मिचलाना, उल्टी लग जाना, दस्त लग जाना, ऐसे कुछ साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं जो कि कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इसे अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों इसे आपको सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो इसे 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 चम्मच की मात्रा में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार इस्तेमाल करके आप अपनी किडनी से संबंधित, मूत्र संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को और UTI से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये थी दोस्तों रेनेल का सिरप के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से हमारी एक गुजारिश है, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी किडनी से संबंधित कोई दिक्कत है, UTI से संबंधित कोई दिक्कत है या मूत्र संबंधी कोई विकार है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।